श्री संत गुलाब बाबा के 91वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में BCN एवं DTP ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख द्वारा हर साल की तरह इस बार भी सिरसपेट स्थित संत गुलाब बाबा सेवा आश्रम में भव्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां निःशुल्क जांच के साथ साथ लोगों में निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। भारी संख्या में नागरिकों ने इस आरोग्य शिविर का लाभ उठाया। श्री संत गुलाब बाबा के 91वें जन्मोत्सव के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी BCN और BTP ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख की ओर से हर साल की तरह इस बार भी निःशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिस तरह आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पर नेत्र जांच अभी चल रही है, यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर नेत्र निःशुल्क जांच शिविर का लाभ उठाने के लिए मौजूद है। इसी के साथ ही आप अगर नज़रें घुमाएं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आँखों की जाँच शिविर के अलावा यहाँ पर अन्य रोगों की जाँच का शिविर लगा हुआ है, जहाँ पर भारी संख्या में आप देख ही सकते हैं कि लोग इस निःशुल्क आरोग्य शिविर का लाभ उठाने के लिए भारी संख्या में मौजूद है। आज रविवार को श्री संत गुलाब बाबा महाराज के 91वें जन्मोत्सव के अवसर पर हम मौजूद है श्री संत गुलाब बाबा सेवा आश्रम में, जहां पर आज इस निःशुल्क आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। आप नज़रें घुमाकर देखिए कि यहां पर नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, कई तरह के शिविरों का आयोजन किया गया है, जहां पर लोग भारी संख्या में मौजूद है इस शिविर का लाभ उठाने के लिए। शिविर में किन किन जाँच का शिविर लगाया गया है इसके बारे में हम जानेंगे, तो बताइए आज इस शिविर के बारे में क्या बताएं। हाँ, ये जो शिविर लगा है ये गुलाब बाबा मठ की तरफ से लगा है, और यहाँ पर स्वर्गीय भानुदेव गडकरी इनका जो ग्रामीण विकास ट्रस्ट है उनके तरफ से ये लगा है। इस शिविर के अंदर हमारे तरफ से आँखों की जांच होती है, उसके बाद में कम से कम रेट में हम चश्मे देते हैं 100 रुपये में। ये हर जगह हर वार्ड में लग रहा है। इसका जो प्रेरणा स्रोत है हमारे आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी खासदार नागपुर लोकसभा, इनके प्रेरणा से लगे। हमारे बाजू में डॉक्टर लहाने सर है, ये अगर हमारे साथ हम हर वार्ड में जाते हैं, स्लम एरिया में जाते हैं, और वहाँ हमारा एक कार्य चल रहा है। अभी इसको पूरा 1 महीना हो गया और कंटिन्यू चल रहा है हमारा काम। कितने सालों से इस तरह का आयोजन किया जा रहा है लगातार, इसके बारे में अभी जानेंगे हम संजय लहाने जी से। तो बताइए कितने सालों से आप इस तरह के आरोग्य शिविर का आयोजन कर रहे हैं लोगों के लिए? मेरा बहुत ये गत 20 से 22 साल से संत गुलाब बाबा का जन्मोत्सव सामाजिक शैक्षणिक और विभिन्न कार्य से मनाया जाता है। इस साल बाबा का 91वां जन्म उत्सव है, संत गुलाब बाबा सेवाश्रम सिरसपेट नागपुर, और साथ ही में BCN BTP ग्रुप, स्वर्गीय भानुताई ग्रामीण विकास संस्था, इन सभी के संयुक्त विद्यमान से ये शिविर लगा है। इनमें नेत्र तपासनी, कर्ण तपासनी, आँखों की जाँच, निःशुल्क मोतीबिंदु ऑपरेशन, अस्थि रोग तपासनी, स्त्री रोग तपासनी, बाल रोग तपासनी, कर्ण तपासनी, ऐसे विभिन्न प्रकार की रोग निदान शिविर, और साथ ही बच्चों के लिए चित्रकला स्पर्धा और शासकीय योजना शिबिर का आयोजन किया गया है। नियर अबाउट अभी तक के 350 से 400 लोगों ने इस शिविर का लाभ ले चुके हैं, और स्वर्गीय भानुदाई ग्रामीण विकास संस्था के ओर से जिन लोगों को कानों का प्रॉब्लम है, आदरणीय खासदार इस देश के केंद्रीय मंत्री, इनका संकल्प किया गया मोतीबिंदु मुक्त नागपुर, एक संकल्प हेतु सभी का निःशुल्क उनके सहयोग से ऑपरेशन किया जाएगा। जिन लोगों को कानों का प्रॉब्लम है उन लोगों को कानों की मशीन दी जाएंगी। साथ ही BCN BTP ग्रुप के ओर से जरूरतमंद लोगों को चश्मे का वाटअप किया जाएगा। ऐसा विभिन्न प्रकार का शिविर यहाँ पर लगा है, और बहुत सालों से लोग यहाँ पर इस शिविर का लाभ लेते, और बाबा के जन्मोत्सव 1 जुलाई को हरला उत्सव से मनाया जाएगा, और सभी से निवेदन है कि 1 जुलाई को भी आप जन्मोत्सव में पधारे। सभी से लोगों से मैं विनती करता हूँ। संजय लहाने, दृष्टि तज्ञ। इस तरह के आयोजन लोगों के लिए ही किए जाते हैं, और हमें देखने को मिलता है कि इस तरह के जब आयोजन किए जाते हैं तो लोगों का काफ़ी बड़ा प्रतिसाद मिलता है। और मेरे पीछे आप देख ही लीजिए कि यहाँ पर कई उम्र के, कई वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस शिविर का लाभ उठाने के लिए, क्योंकि चिकित्सा, हर इंसान की स्वास्थ्य बेहतर होना ये काफ़ी बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जाता है, और हर साल की तरह इस बार भी संत गुलाब बाबा सेवा आश्रम में आयोजन किया गया है, जहां पर लोग मौजूद हैं। ये हर साल की तरह यहां पर संत गुलाब बाबा सेवा आश्रम में ये उत्सव मनाया जाता है। 1 जुलाई को
बाबा का जन्म दिवस मनाया जाता है और जन्म दिवस के अवसर के ऊपर में यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लिया जाता है। इस शिविर में इस शहर के नामी डॉक्टर जो है, जैसे डॉक्टर महेंद्र सावरकर जी हो गए जो हृदय रोग तज्ञ हैं, डॉक्टर विनोद जायसवाल हो गए, और ये जो अपने यहाँ पर बीसीएन ग्रुप के जो सिराज भाई है, ये हमारे यहाँ अग्रणी है, क्योंकि ये हमको ये यहाँ जो नेत्र जांच होती है, ये नेत्र जांच में जिन लोगों को चश्मे की जरूरी होती है उन लोगों को चश्मा दिया जाता है सिराज भाई की तरफ से। उनका भी जन्मदिन इसी दिन रहता है और उनका भी जन्मदिन के अवसर के ऊपर में यहाँ पर ये स्वास्थ्य सेवा के अंदर में जितनी भी सेवा हो वो बीसीएन ग्रुप की तरफ से हमको बड़ा अच्छा सहयोग मिलते रहा है और मिल रहा है। यह निःशुल्क औषधि की भी वितरण किया जाता है, हर प्रकार के यहाँ अस्थि रोग है, स्त्री रोग तज्ञ है, विशेष करके हमारे यहाँ पर एक नेचुरोपैथी जो डॉक्टर है जोगी करके वो एक्यूप्रेशर करते हैं, उसके बाद में नेत्र जांच भी हमारे यहाँ होती है। नेत्र दृष्टि तज्ञ जो हमारे यहाँ पर है संजय लहाने, नागपुर में हर जगह पे उनका ये कार्यक्रम चलते रहता है, तो वो भी हमारे यहाँ अपनी टीम लेकर आते हैं और नेत्र की जांच करते हैं और अनेक लोगों का सहयोग मिलता है। विशेष करके हमारे यहाँ पर राम जन्म हो गया, दत्त जयंती हो गई, गुरु पूर्णिमा हो गया, पूर्णिमा के अवसर के ऊपर में तो ये धार्मिक संस्थान जरूर है, लेकिन यहाँ अड़ोस पड़ोस में जो बस्ती है, ये झोपड़पट्टी है, यहाँ इन लोगों को एक मेहरबानी करके हम एक अन्नदान करते हैं, जैसे स्वीट रखते हैं, हर प्रकार का भोजन वहाँ उस दिन हम परोसते हैं और अनेक लोग हजारों लोग आते हैं और ये 1 जुलाई के दिन भी हम एक महाप्रसाद करते हैं। ये आध्यात्मिक जो प्रक्रिया होती है गुलाब बाबा के आश्रम में, भला ही मैं विज्ञान का डॉक्टर हूँ लेकिन जो कुछ भी अनुभूति आई वो प्रैक्टिस में हमें अनुभव आया कि विज्ञान के साथ में आध्यात्म की यदि जोड़ रही तो बहुत सारे व्याधियों का निर्मूलन होता है, इसलिए हम ये आश्रम से जुड़े हैं और यहाँ बहुत हर साल आरोग्य शिविर होता है। इसमें आध्यात्म के ऊपर में अपना शरीर का नियंत्रण कैसा हो सकता इसके बारे में ज्ञान दिया जाता है और आपने देखे कि बहुत सारे मरीज जो यहाँ आते जो असाध्य आजार है वो भी यहाँ ठीक हो जाते हैं और जरूरी नहीं कि विज्ञान से ही सभी बीमारी ठीक हो, उसके आध्यात्म की यदि जोड़ दिया है ना, भगवान को यदि अपन माना और मन को एकाग्र चित्त करके यदि निर्धार किया तो बहुत व्याधियों से मुक्ति हो सकती है आपकी। तो मेडिसिन के औषधि के साथ में आपको जीवन यदि सुचारू रूप से चलाना है, निरोगी रहना है, तो आध्यात्म का अनुभव लेना उतना ही जरूरी है। धन्यवाद। आरोग्य शिबिर आज होता है, 1 जुलैला बाबांचा वाढदिवस असल्यामुळे जन्मोत्सवाचा मोठा कार्यक्रम होतो, इथे सकाळी शोभायात्रा निघते, दिवसभर भजनांचा कार्यक्रम चालू राहतो, पूर्ण सप्ताह हा आरोग्य शिबिर सह पूर्ण योगासन शिबिर आरोग्य शिबिर सगळंच घेतल्या जात। नमस्कार, मी चंद्रकांत खंगार, या संत गुलाबबाबा आश्रमात आज जो हा कॅम्प ठेवला आहे स्वर्गीय भानुताई गडकरी विकास ग्रामीण संस्थेतर्फे या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। या कार्यक्रमात मेडिसिन, स्त्रीरोग, अस्थिरोग, दंतचिकित्सा, नेत्ररोग अशा विविध प्रकारचं आयोजन या मार्फत होत आहे। या मार्फत अनेक लोकांना अनेक आजाराचं निदान इथं होणार आहे। नेत्ररोगमध्ये नेत्राचं निरीक्षण करून त्यांना चष्मेसुद्धा मोफत वाटले देणार आहे। ज्यांचं मोतियाबिंदूचं ऑपरेशन असेल त्यांना मोतियाबिंदूचं ऑपरेशनसुद्धा या मार्फत मोफत होणार आहे। विविध प्रकारचे इथे कॅम्प आयोजित केले आहे। माननीय गडकरी साहेबांचं धन्यवाद मानतो की त्यांनी हा एवढा मोठा कॅम्प आम्हाला इथे अरेंज करून दिला, यामार्फत अनेक लोकांना इथे। मी डॉक्टर इंदिरा तुरणकर बोलते आहे, मी स्त्री रोग तज्ज्ञ आहे आणि इथे बाबांच्या जन्मदिवसानिमित्त दरवर्षी इथे शिबिर होतं, आरोग्य शिबिर होत असते आणि इथे म्हणजे 300-400 संख्येने इथे पेशंट्स येत असतात आणि त्यांना इथे सगळी मोफत शुश्रूषा केली जाते। तर मी डॉक्टर निकेत टुमरे अस्थिरोग तज्ज्ञ आहे, आपल्या संत गुलाबबाबा आश्रमाचे अध्यक्ष श्री अदमाने साहेब आणि उपाध्यक्ष श्री तुरणकर साहेब यांनी खूप म्हणजे इथल्या लोकल रुग्णांच्या सेवेसाठी इथे एक शिबिर आयोजन केलेलं आहे। हे शिबिर दरवर्षी संत गुलाबबाबा यांच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित करण्यात येतो। ह्या शिबिरामध्ये या एरियामधल्या बऱ्याचशा रुग्णांना लाभ मिळतो। ह्यामध्ये आपल्याला अस्थिरोगतज्ञ, मेडिसिन, त्याच्यानंतर स्त्रीरोगतज्ञ, दंतरोगतज्ञ, कान नाक घसा इत्यादी आपल्याला लोकांना मोफत उपचार व
मोफत निदान व उपचार करण्यात येतं, तसेच पेशंटला चष्मा वाटप करणं, त्यानंतर मोफत औषधी वाटप करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यात येतात. आणि ह्या उपक्रम हा संस्थान प्रत्येक वर्षी चालवतो आणि असंच त्यांचं चालत राहील. मी अस्थिरोगतज्ञ आहे, तर मी स्वतः म्हणजे ह्या आपलं थोडं आपलं सहकार्य म्हणून आपलं योगदान म्हणून मी हे शिबिर जॉईन केलं आणि त्या शिबिरामध्ये खूप छान प्रतिसाद मिळतो आहे. लोकांना रुग्णांना उपचार देण्याची संधी मला मिळतं, याला मी फार भाग्यवान मानतो आणि हे उपक्रम असंच सुरू राहावे आणि मी अशाच प्रकारे पुढेही स्वखुशीने इथे लोकांना रुग्णांना सेवा देणार आणि तसंच यांचं कार्यक्रम असंच रुग्णसेवेचं हे जे कार्य आहे हे निरंतर चालत राहो अशी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि आरोग्य शिविर तो हमें कई देखने को मिलते हैं, लेकिन इस आरोग्य शिविर की खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ निःशुल्क लोगों की जांच नहीं की जाती, बल्कि उनके रोगी के हिसाब से, जिस तरह अगर उन्हें नेत्र से जुड़ी कोई समस्या हो तो उन्हें इस शिविर में मुफ्त चश्मे भी वितरित किए जाते हैं. जी हाँ, ये इस निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जो यहाँ पर लगाया जाता है, इस आरोग्य शिविर की ये खास बात है कि यहाँ पर जो BCN और BTP ग्रुप के डायरेक्टर हैं उनके द्वारा यहाँ पर लोगों को चश्मे भी वितरित किए जाते हैं. और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर साल जब से ये आयोजन किया जा रहा है ऐसा ही किया जाता है. तो यह है लोगों के लिए और लोगों की भलाई के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं. और भी क्या खासियत है इस बारे में जानेंगे इस शिविर में मौजूद लोगों से. मैं यहाँ पर श्री संत गुलाब बाबा दरबार में 1980 से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने अनेक कार्यक्रम देखे हुए हैं. मैं स्वयं यहाँ की जो रुग्ण के इसमें जो शिविर होता है इसकी सब मैं लेता हूँ. और मेरे जैसे हड्डियों में भी प्रॉब्लम था चिकनगुनिया के वजह से, तो उसका भी मैंने यहाँ पे इलाज किया अस्थि रोग का. और बाबा की कृपा से जो चीज़ें दवा से नहीं ठीक होती वो दुआ से ठीक होती है, तो वो बाबा ने अच्छा कर दिया. उसके बाद में यहाँ पे आँखों के चश्मे मुफ्त में दिए जाते हैं, अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, बच्चों को स्कूल की नोटबुक्स वगैरह दिए जाते हैं. यहाँ पर नागपुर में रामनवमी 9 मार्च को बाबा का समाधि दिवस है, वो रामनवमी और 1 जुलाई का अभी संत गुलाब बाबा का आज का जो दिन है वो अच्छे से. आजकल बच्चों के आंखों पर भी चश्मा लग जाता है, तो यहाँ पर नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया है. तो अभी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है, उनसे हम जानते हैं कि किस तरह लोगों का प्रतिसाद मिलता है और अब तक कितने लोग यहाँ पर अपना मुफ्त जांच आंखों की जांच करा चुके हैं. नमस्ते, इथे गुलाब बाबा यांच्या जन्मोत्सवानिमित्त दरवर्षी कॅम्प होतो. इथले जे अध्यक्ष आहे डॉक्टर तुरणकर सर, उपाध्यक्ष आदमणे सर आम्हाला बोलवतात. इथे पुष्कळ पेशंट येतात, चेक करतात, चष्मे आम्ही फ्रीमध्ये देतो. आणि स्वर्गवासी भानुताई गडकरी यांची व्हॅन आली आहे, त्यांचा पण स्लम एरियामध्ये कॅम्प होतो आहे नेत्र तपासणीस. हर साल की तरह जिस तरह आप यहाँ पर द्वारा कैंप लगाया जाता है, तो अब तक आज कितने लोगों ने अपना मुफ्त नेत्र जांच करवा लिए? 500 से ऊपर लोगों की जांच हो चुकी है अभी तक. जी हाँ, देखें आपने 500 से लोग अब तक जांच करवा चुके हैं और भी भीड़ इतनी सारी है कि अभी और लोग यहाँ पर अपनी आँखों का जाँच करवाएंगे. तो आँखों की जाँच आप करती है, तो क्या लगता है कि आजकल किन उम्र के लोगों में या बच्चों में या बड़ों में ज़्यादा आँखों की समस्या किस वर्ग में देखने को मिलती है? वैसे सभी में, बट जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको मोती बिंदु का तकलीफ़ होती है, नज़दीक का देखने में दिक्कत जाती है 40 के बाद. तो जो ज्येष्ठ नागरिक है उनमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है आँखों की. क्या बच्चों का भी दर बढ़ा है? यस, मोबाइल के वजह से बच्चों को भी काफ़ी कम दिखता है, कम उम्र के बच्चों को भी चश्मा लगता है अभी. थोड़ा आप बताएंगे कि किस तरह मशीन से जांच की जाती है? ये ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर है, इससे हम दूर नज़दीक दोनों का नंबर चेक करते हैं. इस पर पीछे के पर्दे की जाँच होती है ये मशीन से. ये डिस्टेंस विजन चार्ट है. और जो कॉमन है नज़दीक का देखने में दिक्कत जाती है, पेशेंट को ऐसे बारीक अक्षर दिखते नहीं है 40 के बाद, तो वो सारी जांच यहाँ पे की जा रही है. पूरी दूर नज़दीक दोनों का चश्मे का नंबर देके पूरा डिटेल में चेकअप हो रहा है यहाँ पे. कई सालों से यहाँ पर लगातार इस तरह के आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, तो यहाँ पर अभी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो इसका लाभ उठाते हैं. तो उन्हीं से जानते हैं कि उन्हें किस तरह हर साल इंतज़ार रहता है इस तरह के इस आयोजन का. तो उनसे जानते हैं और कब से वो आ रहे हैं और किस तरह का लाभ होता है, कैसा महसूस करती है वो, उन्हीं से जानते हैं. नमस्कार,
मेरा नाम रीना सावरकर, मैं यहाँ से यहाँ 10 सालों से कम जुड़ी हूँ। उससे पहले से यहाँ पे हर साल में दो बार यहाँ पे आरोग्य शिविर होता है। अनेक नामी डॉक्टर यहाँ पे आते हैं, काफ़ी अच्छा है, अच्छी तरीके से यहाँ पे सभी रोगों का निदान होता है। काफ़ी लोग आते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलती है। मैंने खुद ट्रीटमेंट करी हूँ और काफ़ी स्वस्थ महसूस करती हूँ। और यहाँ पे हमारे आश्रम पे हर साल आरोग्य शिविर आयोजित किया जाता है। हर गुरुवार को काफ़ी अच्छा कार्यक्रम होता है। पूर्णिमा का महाप्रसाद होता है, 1 जुलाई बाबा जी का जन्मदिन होता है, 9 मार्च बाबा जी का कार्यक्रम यहाँ पे होता है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे आराम मिला है, बहुत भक्तिभाव से लोग यहाँ आते हैं और अच्छे से यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं और लोग अच्छा महसूस करते हैं यहाँ के। इस शिविर में यूँ तो कई तरह के आरोग्य शिविरों का आयोजन किया गया है, तो अभी हम दंत रोग शिविर के कैंप तक मौजूद है। तो अभी हम इनसे जानते हैं कि अब तक कितने लोगों को उनकी ने यहाँ पर अपनी जाँच करवा ली है। तो अभी हम मौजूद डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक कितने लोगों ने अपनी चिकित्सा करवा ली है। अभी मेरे पास तो कम से कम 40-50 लोग अभी तक तो आए हैं, ठीक है। और उसमें काफ़ी क्रॉनिक डिसीज़ वाले भी पेशेंट्स हैं जिनमें मैक्सिमम अवेयरनेस तो कुछ भी नहीं है। अभी बेसिकली हम लोग बॉडी का चेकअप ज़रूर करते हैं पर दांत का चेकअप उन्होंने आज तक कभी नहीं किया है। तो अभी मैंने उनको प्रॉपर काउंसलिंग किया और काफ़ी उनको समझाया कि ये अपने को ट्रीटमेंट करना है, इसकी ज़रूरत है। मीन्स बेसिकली अपने को जैसे हम लोग बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं वैसे अपने को ओरल कैविटी का भी मेंटेनेंस करना उतना ही ज़रूरी है। तो ऐसे काफ़ी पेशेंट्स का अवेयरनेस अभी करना ये मेरा काम है और ये मैं अभी कर रही हूँ। देखा जाता है कि लोग अपनी जिस्मानी तौर पर अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होते हैं हमारे दांत, क्योंकि इन्हीं से ही हमें पहला स्टेप होता है जो हमारा खाना अंदर जाता है और उसमें ही उसी ओरल कैविटी का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो आप क्या सलाह देंगी लोगों को एज ए डॉक्टर कि वो अपनी जो ओरल कैविटी है उसका ध्यान रखें, उसका ख्याल रखें, उसकी समय समय पर जाँच करवाएँ? फर्स्ट अपॉइंट तो मैं पेशेंट्स को यही बोलूँगी कि नॉर्मली जब हम लोग सुबह उठते हैं तो नमक के पानी से तो गार्गल, वार्म वाटर जिसको बोलते हैं ना, हम लोग उससे गार्गल करना चाहिए, रेगुलर गार्गल करना चाहिए। उसके बाद में एटलीस्ट ट्वाइस अ डे ब्रश करना चाहिए और ब्रश करते टाइम पे अपने दांत का जो बोन का क्वालिटी होता है अकॉर्डिंगली हम लोग ने टूथब्रश सिलेक्ट करने चाहिए। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ब्रश आते हैं, फर्स्ट है हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। अगर मसूड़ों में अगर इन्फ्लेमेशन है या डायबिटिक पेशेंट है उन्होंने मोस्टली सॉफ्ट ब्रश ही यूज़ करने चाहिए और दिन में 2 बार तो भी ब्रश करना ही चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मसूड़ों में सूजन आ रही है या फिर कुछ ब्लड निकल रहा है तो तुरंत मसूड़ा स्पेशलिस्ट, दंत रोग में भी काफ़ी स्पेशलाइजेशन है, उसमें से जो मसूड़ा स्पेशलिस्ट है उनको एटलीस्ट मसूड़ों का इन्फेक्शन रहा तो उनको दिखाना चाहिए। अगर दांत में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एटलीस्ट डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, बस यही मेरी सलाह रहेगी। तो अभी हमारे साथ संत गुलाब बाबा सेवाश्रम के सचिव मौजूद है, तो उनसे जानते हैं इस साल के इस आयोजन के बारे में और हर साल किस तरह ये सेवाश्रम इस आयोजन को आयोजित करता है उसके बारे में हम सीधे उन्हीं से जानेंगे। सिद्धेश्वर श्री संत गुलाब बाबा की जय। श्री संत गुलाब बाबांचा 91वा जन्मोत्सव आज सर्वांच्या सहभागातून आम्ही सहयोगातून आम्ही साजरा करतो आहे। दिनांक आज 25 जुलै। आज आरोग्य शिबिर आणि श्री गुरुचरित्र पारायण याचा सुरुवात सकाळी 6 वाजता सुरुवात केली आणि संकल्प जो आम्ही केला होता त्याप्रमाणे सुरुवात आमची आज सकाळी 5:30 गुरुचरित्र पारायणाने करण्यात आली। आज हे पारायण संध्याकाळी 6 पर्यंत चालेल, संध्याकाळी 6 नंतर आरती आणि त्यानंतर प्रसाद वितरण होईल। याचबरोबर आम्ही आजच्या दिवशी आरोग्य शिबिर आणि तपासणी शिबिर केलं होतं, यासाठी बऱ्याच मोठ्या संख्येने भक्त रुग्ण आली होती। यामध्ये दंतचिकित्सा, अस्थिरोग, ECG, BP, शुगर, नेत्र तपासणी, दंत तपासणी आणि ॲक्युप्रेशर थेरपी या सर्व गोष्टींचा
सहभाग करून आम्ही ही शिबिर आयोजित केली होती आणि आम्हाला अतिशय उत्कृष्ट असा सहभाग सर्व रुग्णांचा प्रतिसाद आम्हाला लाभला आणि याकरता आमचे अध्यक्ष श्री चंद्रशेखरजी आदमने यांचं मार्गदर्शन आम्हाला असतं, प्रतिष्ठित डॉक्टर डॉक्टर महेंद्रजी सावरकर, डॉक्टर विनोदजी जयस्वाल, प्रेम जोगीजी, वराड पांडेजी आणि या वेळेला विशेष म्हणजे आम्हाला स्वर्गीय भानुताई गडकरी ग्रामीण विकास संस्थेतर्फे नेत्र तपासणी आणि दंत तपासणी नेत्रकर्ण तपासणी आम्हाला लाभली. कारण मला एक विशेष असं सांगायला आवडेल की स्वर्गीय भानुताई गडकरी साहेब लहान असताना त्यांना बाबांच्या दर्शनाला घेऊन येत असत, कारण राजहंसाई आणि स्वर्गीय भानुताई गडकरी या मैत्रिणी होत्या आणि ती स्वतः गडकरी साहेबांना बाबांच्या दर्शनासाठी घेऊन येत. कदाचित हाच प्रसाद आज सरांच्या आणि साहेबांच्या मागे असेल असं मला वाटतं आणि वेळोवेळी कुठलंही आमचं काम असो, आश्रमाचं कुठलंही असं अडचण असो, साहेबांचं आमच्यावर ऑलवेज आम्हाला नेहमी त्यांचा पाठिंबा असतो, आम्हाला ते नेहमी मार्गदर्शन करत असतात, प्रत्येक वेळेला आम्हाला सूचना करत असतात आणि त्या त्याप्रमाणे आम्ही पुढे जात असतो. यावेळेला विशेष करून सर्व विश्वस्त मंडळी आश्रम नागपूरतर्फे सचिव या नात्याने आभार प्रकट करतो आणि परत एकदा धन्यवाद. जय गुलाब बाबा. सुबह 9:30 बजे से इस आरोग्य शिविर का की शुरुआत हुई थी. अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में अभी भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं और इस शिविर का भारी संख्या में लाभ उठा रहे हैं. इस तरह के आयोजन पर यहाँ के सभी लोगों में संत गुलाब बाबा सेवा आश्रम और BCN BTP ग्रुप के संस्थापक का लोग धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं. और जिस तरह आप देख ही सकते हैं कि उनके चेहरे पर मुफ्त में जाँच करना और उसके साथ ही उन्हें उसके उपक्रम जैसे चश्मे और चश्मे जैसे दवाइयाँ, ये सब इन्हें मिलकर इनके चेहरे पे जो खुशी है वो आपने भी इस आज की इस रिपोर्ट में देखी. तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट. कैमरामैन अजित कुंवर के साथ अक्सा वहीद अंसारी, BCN न्यूज़ नागपुर.